प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, कई बार साधना सेवा सत्संग करने के बाद, नॉलेज अवेयर होने के बाद भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मन अशुद्ध हो जाता है, नेगेटिविटी कैच कर लेता है, ऐसे सिचुएशन में सुनो, क्या करें? मैंने इसके लिए कई उपाय बताया है। इंटीमेट नोट टू द सिंसियर सीकर, एक सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता, वो पढ़ो। क्या परेशानी कैसे आती तुम्हें? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये सब चीज़ें पकड़ती है ना। तुम 20 बार संकल्प करते हो गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्से में आ जाते हो। काम वासना से आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसे तुम मन में कई बार करते हो, फिर भी ऐसा मौका आता, फिसली जाते हो। यही है ना दिक्कतें। कभी लगता है कि हम इतना लोभी नहीं होना चाहिए, सब उदार रहना चाहिए, फिर भी जब कोई काम करना पड़ता है, जहाँ 10 रुपये देना पड़ता है, वहाँ 5 रुपये अंदर रख ले तो 5 ही देते हो। लोभ पकड़ता है। कई बार तुम सोचते हो मुझे दिखावा नहीं करनी है, फिर दिखावा करने में उतर जाते हो। तो ये जो विकार जितने हैं मन के, इसको थामने के लिए एक ही रास्ता है, प्रेम, और शुद्ध प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, साधना में लग्न हो, निष्ठा हो, तो तुम पाओगे ये विकार ऐसे धुलते 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 कम खत्म हो जाएंगे। जब से तुम साधना शुरू किए, विकार कम हुए ना? कितना कम हुआ है? माइक देना भाई। हाँ, काफी कम हो गए गुरुदेव, कितना परसेंट कम हुआ? ऑलमोस्ट 70%। हाँ, फिर देखो थोड़े दिन के साधना में 70% कम हो गया। ऐसे करते जाओ फिर सब हो जाएगा, ठीक है? औरों से नहीं लड़ना अलग बात है, अपने से भी नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है?